नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध बजरी परिवहन करते एक डंपर एवं चालक गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार के निर्देश अनुसार अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए, जिस पर थानाधिकारी मनीष चरण द्वारा थाना हाजा पर गठित टीम की गई। गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। उक्त आदेश की पालना में गठित टीम को कार्रवाई करने को दो निर्देश प्रदान किए गए। उक्त निर्देश की पालना करते हुए दिनांक 29/5/2021 को शाम को रवाना किया गया। द्वारा संध्याकालीन दौरान गश्त सूचना मिली कि एक सलूम्बर केस से अवैध बजरी से भरा डंपर खोलडी की तरफ आने वाला है, जिस पर हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह में जाप्ता, कांस्टेबल गणेश राम एवं प्रवीण सिंह कैलाश में जीप चालक हीरालाल सभी खिलाड़ी खोलडी बस स्टैंड के पास पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई। नाकाबंदी के दौरान एक डंपर अवैध बजरी से भरा हुआ आता नजर आया, जिसे रोकने का इशारा किया तो पुलिस जाप्तों को देखकर पास में ही बजरी खाली करने लगा, जिससे रुकवाकर डंपर से भरी बजरी वैध कागज नहीं होना बताया, जिस पर डंपर अवैध कब्जे होने के कारण जब्त किया गया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।